आसमान में आतिशबाजी का दिलकश नजारा और डीजे की थौप पर थिरकते लोग, ये नजारा किसी आम खास आदमी की शादी का नहीं बल्कि एक अनोखी शादी का है। जी हाँ, यहाँ किसी और की नहीं बल्कि भगवान की शादी हो रही है और इसका कारण भी खास है। दरअसल ग्वालियर की रहने वाली सोनल 26 सालों से एक लाइलाज बीमारी से जूझ रही थी, जिसके चलते वे इतने सालों से बेड पर ही थी। लेकिन हर माँ बाप की तरह ही सोनल के पिता को भी उनकी शादी और स्वास्थ्य की चिंता थी। उन्होंने सोनल की बीमारी का इलाज ढूंढने की हर संभव कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं मिला। लिहाजा पिता ने अपनी बेटी का हाथ भगवान श्री कृष्ण के हाथों में सौंप दिया। सोनल के पिता शिशुपाल ने बेटी की शादी उसी धूमधाम से की जैसे वे अपनी और बेटियों की करना चाहते थे। सभी सोनल की इस अनोखी शादी से खुश भी थे। मन में शादी का विचार आया कान्हा जी से, तो उसकी हमने रूपरेखा सारी जो है ना, बहन हमारे यहाँ जो डलिया लेके आती वो भी लेके आई। हम लोग भी भात मांगने गए, उसके बाद सारे रिश्तेदारों को बुलाया। बुलाने के बाद फिर हमने सारी जो विधियाँ होती हैं शादी की, रूपरेखा सारी रूपरेखाएं उन्होंने की। सोनल के पिता शिशुपाल राठौर पेशे से व्यापारी हैं। 6 तारीख को उन्होंने अपने तमाम रिश्तेदारों को अचानक फोन करके 7 तारीख अपनी बेटी की शादी में आने का निमंत्रण दिया। न्योता पाकर रिश्तेदार भी आश्चर्य में पड़ गए। ऐसा कौन है जो शारीरिक रूप से अक्षम बेटी से शादी कर रहा है? लेकिन सोनल की बहनें भी शादी को लेकर काफी खुश दिखी। जितना अरेंजमेंट हो सका 2 दिन में बहुत ज्यादा अरेंजमेंट हो गया था। ऐसे औरों की शादी में साल सालों से वो होता है, लेकिन दीदी की शादी में 2 दिन में अरेंजमेंट हो गए थे। आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे जीजू आ गए, फर्स्ट जीजू है मेरे। सोनल राठौर की शादी में बारात भी आई, मेहंदी हुई, महावरे भी पड़ी, भोज हुआ, विदाई भी हुई। लेकिन इसके बाद भाई मंदिर से विदाई कराकर वापस घर भी ले आए। सभी ने जश्न मनाया, खुशी साझा की और अंत में विदाई के समय सब की आंखें नम भी हुई। पिता ने अपनी असहाय बेटी के जीवन की बागडोर कन्हैया के हाथों में सौंप दी है, वो भी ये सोचकर कि अब वही उसे सहारा देंगे। जिसने भी देखा सुना वो सोनल के पिता के जज्बे की तारीफ करते नहीं थक रहा है। आप देखते रहिए न्यूज़ पुराण।